गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम करेंगे हम लोग। हमारे साथ है गुड मॉर्निंग, बिल्कुल, क्या नाम है? अब्बास। अब्बास के साथ गुड मॉर्निंग गोपाल। ये हैं गोपाल जी, ये हमारा टेंट जहां हम खाना खाते हैं, ये हमारा छोटा सा आशियाना, ये पीडीए का हट, सामने खूबसूरत सा व्यू। आज आपको दिखाएंगे हम कहां पे वाटरफॉल। आज हम कहां जा रहे हैं गोपाल? पालनाड। बीकन यहाँ पे काम करती है, जैसे मच्छल में मैंने आपको लास्ट टाइम पे वीडियोस में बताया था, कुपवारा के मच्छल में जितनी भी हाईवे बनी है वो भी बीकन ने ही बनाई है। ये पोस्ट, ये हमारे पाइंदरनी का रास्ता जहाँ से हम लोग अभी आए, और यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये वाला ब्रिज दिखेगा। एक्चुअल में ब्रिज यहाँ पे था, और फिर आप इमेजन करें 6 महीने 15 फीट 40 फीट की स्नो के नीचे रहते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो बह गया। फिर ये BRO के काम है, BRO ने पूरी यात्रा को बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट करके रखा है। और ये है हमारा यहाँ का रिवर, रिवर के वो लास्ट पे हमारे आर्मी टेंट से, और यहाँ हमारे पाइंदर है। ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये BRO का बनाया हुआ बैली ब्रिज, और आप यकीन माने 5 लाख सिर्फ यात्री यहाँ से गुजरे हैं हॉर्सेस को छोड़ के, तो आप इसकी मजबूती देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है पाइंदरनी, और उसकी प्रोटेक्शन में ये बड़ा सा एक पहाड़, और यहाँ पे पूरी माउंटेनियस रेंज है। यहाँ पे मेरी आवाज़ में आपको सांसें तेज़ दिखेंगी, बेसिकली यहाँ पे आप किसी भी साइड पे कहीं पे भी देखिए, मैं आपको यहाँ से 360 व्यू देता हूँ। इस 360 व्यू में आपको कहीं पे भी पेड़ नज़र नहीं आएंगे। यहाँ ये नोमैड्स है, और ये टॉयलेट यहाँ पे लगा हुआ, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि जो नोमैड्स भी यहाँ आते हैं उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं। फिर यहाँ पे ये भी नोमैड्स के हाउसेज हैं, टारा बोलते हैं हम लोग पहाड़ी लैंग्वेज में उसको। ये जितने भी नोमैड्स हैं इनको यहाँ कश्मीरी में चौपान बोलते हैं, और ये बकरियों के साथ आते हैं, मतलब बड़ी गाय भैंस वगैरह नहीं होगी। वही सिविलाइजेशन हमेशा पानी के पास रहती है, तो ये सभी भी पानी के पास रहते हैं। और फिर इस तरह का कितना खूबसूरत सब बड़ा सा ग्राउंड है, देखिए आप। और यहीं पे देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, ऐसे उसकी ना बिल्कुल लेयर्स बनी है, आपको लेयर्स दिखेंगे यहाँ पे कंप्लीट, और बड़ा मैसिव है ये। दूर से तो ऐसे छोटा सा दिखता है, माय गॉड। हम लोग वहाँ से चले थे और यहाँ तक 15 मिनट लग गए, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी हमने वहाँ से इस साइड में राइट साइड पे मूव करना है ग्लेशियर की तरफ, लग रहा है जैसे ये पहुँच जाएंगे हम, लेकिन 15 से 20 मिनट इसमें भी नॉर्मली लगेंगे। और ये मेरा सेकंड टाइम है यात्रा के अंदर, इस बार पाइंदरनी में हूँ मैं, और पाइंदरनी सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ पर यात्री 20,000 तक भी रुकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से काम हो गया, एप्रिसिएशन हुई हर जगह पे, एंड होपफुल कि इसी तरह से हम इसको कंक्लूड भी कर सके। 19 को यहाँ से होली मेस आएगी, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम घर चले जाएंगे। आज आपको वाटरफॉल, और टाइम बच गया तो वहाँ बड़ी सी एक झील है, उसके किनारे पे बैठ के कुछ स्टोरी सुनाऊँगा इस पूरे महीने में क्या क्या हुआ, तो बने रहिए प्लीज़। ये है एक नोमैड का घर, जब वो यहाँ पे रहते हैं तो वो इस तरह के घरों में रहते हैं, देखें ये ऐसे राउंड, उसके ऊपर अपना टेंट पिच करते हैं वो, और ये घर होता है। यहाँ से एंट्रेंस है, अब यहाँ से अंदर एंटर करेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है ये देखिए सामान रखने की जगह ऐसे, और फिर इसके ऊपर टेंट पूरा पिच होता है, तो टेंट पिच होने के बाद ये पूरा घर बनता है, और फिर ये शायद उसका किचन, वो भी आपको दिखाते हैं। कितनी सादा जिंदगी गुजारते हैं हमारे गुज्जर बकरवाल चौपान लोग। ये किचन है, यहाँ से एंटर हो गए आप, नहीं ये है आपकी भेड़ बकरियों के लिए, देखिए यहाँ पे भेड़ बकरियों का मल पड़ा हुआ है यहाँ पे,
तो ये उनको रखने के लिए इस चारों तरफ से उसको बंद करके फिर ऊपर टेंट पिच करके, तो फिर ये यहाँ पे गुजर बकरवाल रहते हैं। तो ट्राइबल्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक तो वो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं और नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम लोग इमेजिन नहीं करते, वो सारी चीज़ों से, ज़िंदगी की उन सच्चाइयों से वो लोग गुजरते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ ब्राउन बियर्स हैं ढेर सारे, अच्छे से हट में बैठ के बात करना अलग है, बट जब आप टेंट में पीच करते हैं आपको अपनी भेड़ बकरियाँ भी बचानी है, और फिर वहाँ ब्राउन बियर के अटैक होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें एक नोमैड अपनी ज़िंदगी में किस तरह की कठिनाइयों के साथ वो यहाँ पे अपनी गुजर बसर करते हैं। वहाँ से हम लोग आए हैं, इस साइड पे पानी तरनी है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया या उससे ज़्यादा भी, और अब धीरे धीरे धूप जो है वो इस साइड से ख़त्म होगी, और अगर धूप ख़त्म हो गई फिर ग्लेशियर के पानी में नहाना कहाँ मुमकिन है। और फाइनली अब वो पाइंदरनी आपको दिखाई नहीं देगी, वो इसके पीछे रह गई, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये वाटरफॉल है छोटा सा जो दिख रहा है ये वाला, इस वाटरफॉल में हमने जाना है, और अभी ये चढ़ाई बाकी है। इस जगह पे आर्मी बेस कैंप था यहाँ पे पहले, और वहाँ पे टॉयलेट लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और पीछे नोमैड्स के लिए भी टॉयलेट फैसिलिटी यहाँ हर जगह पे है। रिवर बेड है, ये पहाड़ देखो खूबसूरत, ये आर्मी बेस कैंप जो, अब चलो यहाँ नहीं रहा, अभी थोड़ी आर्मी रहेगी बैक साइड पे, और यहाँ देखिए अब हमने ये जो मिट्टी के टीले हैं इसको क्रॉस करना है, और ये मैंने बताया आपको इस वाटरफॉल पे हमने जाना है, और इसके आगे बहुत ही बड़ी झील है और बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से आने के बाद थोड़े थोड़े पहाड़ क्रॉस करने के बाद अब आप देखिए हम किस में हैं, हम पत्थरों के पूरे शहर में हैं। इसका मतलब वो ग्लेशियर जब फटा होगा या कभी फ्लैश फ्लड आया होगा, जब यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि 6 से 7 महीने तक ये बर्फ़ के नीचे रहता, तो आप देखिए उस फ्लैश फ्लड ने उन पहाड़ों को चीरते हुए वहाँ दरारें देख सकते हैं। ये बड़ा ग्लेशियर अभी सेट है वहाँ पे, ये रेत का टीला है पूरा कंप्लीट। आप देखिए ये चीज़ें दरिया अपने साथ लेके आए, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड, और जब फ्लैश फ्लड होता है तो वो किस तरह की तबाही करता है, इसका एक जीता जागता मंजर है यहाँ पे। मतलब हम पहले बिल्कुल प्लेन मीडो से गुजरे, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें कनकरे बजरा आ गया, अब उसके बाद हम थोड़े पत्थरों में इंटर हुए, और अब देखिए हम किस में हैं, एक पूरा शहर, एक पूरी वादी, देखिए पूरी वादी, जैसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ को चीर के उसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया अपने साथ बहा के यहाँ ले आया है। अभी भी हमारा वाटरफॉल बहुत दूर है, दिखाई वो जल्दी देता है लेकिन एक्चुअल जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको आधा घंटा एक घंटा लगेगा। फाइनली आप लोग दीदार करिए माइटी वाटरफॉल का, प्योर वाटर, देखिए वाटरफॉल है, फिर सरफेस है, और फिर ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का पानी पिघल के आता है, टेम्परेचर ओह देखिए वहाँ पे अभी धूप है, इस साइड पे अब धूप भी ख़त्म हो गई है, तो अंदाज़ा लगाइए कितना ठंडा होगा ये पानी। वाह, और वहाँ से ये ऐसे दीवार बनी है, ये पूरा कीचड़ मलबे से, कभी जब फ्लैश फ्लड आया होगा। वाह, एक से डेढ़ घंटे की वॉक के बाद ये है वो खूबसूरत नज़ारा, अनबीटेबल माशाल्लाह। वहाँ से और वो ग्लेशियर जिसका ये पानी है, ऊपर पहाड़ देखिए आप, छोटे दिखते हैं बट यकीन मानिए ये बहुत ही विशाल पहाड़ है, और ये तबाही शायद कभी किसी टाइम में कोई कोलोड ब्रस्ट हुआ होगा। ओह माय गॉड, ये है पंचतरनी का खूबसूरत सा एरिया, और
इस चीज़ को देखने का मौका मिला ज़िंदगी में। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर नाइग्रा फॉल भी इतना खूबसूरत नहीं होगा जितना शायद लेंसेज में ना दिखे, बट ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं बता रहा था आपको कि ये नाइग्रा फॉल से भी शायद खूबसूरत हो, लेंसेज इसकी खूबसूरती ना भी कैप्चर कर सके, बट ये सच में अद्भुत, विशाल, खूबसूरत, ठंडा। इसकी यहाँ पे आ रही है इसकी मिस्ट। अभी मैं यहाँ से ऑलमोस्ट हम 400-500 meters पीछे, बट इसका जो एवेपोरेशन है वो यहाँ तक आ रही है। आवाज़ अब आप शायद मेरी आवाज़ ना ही सुनाई दे, इसमें आप लोग इस व्यू का मज़ा लीजिए। अब यहाँ से ना अगर ये बंद हो जाए ऐसे क्लिक कर देना, टच है यहाँ आगे। ये मिस्ट है यहाँ से उड़ती हुई, भाप बोल सकते हो, हालांकि भाप नहीं है, पानी गिरने के बाद थोड़ा सा पानी छींटता है, और ये ऑलमोस्ट 200-500 meters में ना इसकी छींटे पड़ी हुई है।